गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। आई होप आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी। काउंटिंग बाय टूज राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम, ये मैंने आपको समझाई थी और आपने ये फिल कर ली होगी। नेक्स्ट आपकी है काउंटिंग बाय फाइव्स राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम। आपको ये दिया हुआ है 6790। इसमें आपको प्लस फाइव करके सर्कल में ये सारी नंबर्स फिल करने हैं। फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरह से आपको ये बी सी डी होमवर्क आज का करना है अपनी नोटबुक में। 6795, 90 में प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा 95, फिर 95 में प्लस 5 करेंगे तो 6795 तो प्लस हो जाएगा 6800, 800 में प्लस 5 करेंगे तो 805, तो ये आपका जो है सम्स हो जाएगा 6805। 6805 में प्लस 5 आपको ऐड करना है तो 6810, 6815 प्लस इसमें होगा तो 6820, इसमें प्लस 5 करेंगे तो 6825। इसी तरह से आपको ये ए बी बी सी और डी एक्सरसाइज फिल करनी है। नेक्स्ट आपका है फिर सिक्स क्वेश्चन काउंटिंग बाय हंड्रेड्स। हंड्रेड आपको काउंट करके और ये आपको न्यूमरल्स फिल करना है, राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम। जैसे 6500 है, 6500 में आप अगर 100 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6600, तो ये आपको 6600। इसी में प्लस आपको 100 करेंगे तो 6700, नेक्स्ट इज 6800 एंड देन 6900, इसमें प्लस 100 करेंगे तो 7000, 7100, 7200। आपको बी सी और डी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट आपको 1000 काउंट करके ये वाली पूरी एक्सरसाइज फिल करनी है। फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, 6230 डिजिट है, इसमें आप प्लस 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7230। इसी तरह से 7230 में 1000 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 8230, इसमें आप प्लस 1000 करेंगे तो 9230। इस तरह से आपको ये बाकी की सारी फिल करने हैं 1000 काउंट करके, और ये आपकी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।